तो बेसिकली कंपनी लॉ का सिलेबस खत्म होने के बाद मैं चाहता हूँ कि एक बार हम कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स देख लें, और मैं आपको ये बता दूँ कि ये अमेंडमेंट ऑलरेडी हमने अपनी रेगुलर क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। वी आर ऑलरेडी डन विथ दीज अमेंडमेंट। तो अपन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी देख लेंगे अमेंडमेंट्स की, ठीक है? तो कंपनी लॉ में इन्होंने कुछ अमेंडमेंट दिए हैं, एक बार हम वो चेक कर लेंगे। एक दो केस लॉस डाले हैं वो देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जून 2024 के लिए कंपनी लॉ के अमेंडमेंट, जिन बच्चों ने ऑलरेडी मुझसे नहीं पढ़ा है उन बच्चों के लिए ये अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। चलिए, सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो कहाँ पे है, सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो कहाँ पे है, बायबैक। तो बायबैक में, हाँ, सेक्शन 68, यस। इसमें सेक्शन रूल 17 सब रूल 14 में, जैसे जब बायबैक होता था तो हम बेसिकली क्या करते थे, फॉर्म नंबर SH11 फाइल करके ROC को बताते थे कि बायबैक हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके साथ में एक डिक्लेरेशन डालते थे फॉर्म नंबर SH15 में। तो अभी वो फॉर्म नंबर SH15 का डिक्लेरेशन खत्म हो गया है, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, तो SH11 प्लस जो आपको डिक्लेरेशन देना है वो डिक्लेरेशन भी कहाँ पे आ गया, SH11 में। तो SH15 में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, रेगुलर क्लास में ये ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद सेक्शन 39 एंड रूल 12 ऑफ SCD रूल्स, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। नाउ पहले अपन क्या करते थे, रूल 39, सेक्शन 39 क्या है, अपन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के बारे में, उसमें एक अपन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करते थे जिस दिन हमने शेयर्स अलॉट किए उसके 30 दिन के अंदर, PS3। तो पहले यस, तो जब अपन बोनस शेयर्स अलॉट करते थे, क्या अलॉट करते थे, तो बोनस शेयर के साथ जब बोनस शेयर आपने अलॉट किए हैं तो आप 30 दिन के अंदर PS3 फाइल करेंगे। उसके साथ आपको बोनस शेयर का जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता था उसकी कॉपी लगानी पड़ती थी। मतलब जब मैं PS3 फाइल करूँ कि भाई मेरी कंपनी की पेड अप कैपिटल बढ़ गई है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में फाइल कर रहा हूँ, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कहने का मतलब, अगर आपने बोनस इश्यू किया है और आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर रहे हैं, तो सिर्फ आप क्या फाइल कीजिए, PS3, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगाने की कॉपी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कॉपी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नया रूल आया है रूल 9B, जो किसके बारे में बात करते हैं, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म बाय विच कंपनीज प्राइवेट कंपनी, प्लीज सी हियर, ध्यान से देखिए। तो अब अमेंडमेंट के जरिए कौन सी कंपनीज बच्चों, अच्छा इस रूल का संबंध कौन से सेक्शन से, इस रूल का संबंध कौन से सेक्शन से, वेरी नाइस, सेक्शन 29, जो क्या बोलता है, शेयर्स टू बी हेल्ड, शेयर्स टू बी इश्यूड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म ओनली, लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ सॉरी सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, और अब ये सेक्शन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया है। तो ध्यान से देखो, तो एक ऐसी रूल 9B का सब रूल 2 पहले देखेंगे, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे, क्या नहीं है, अरे क्या नहीं है, स्मॉल कंपनी नहीं है। कहने का मतलब है 31 मार्च 2024 मेरा लास्ट डे है, मैं चेक करूंगा, मेरा पेड अप कैपिटल 4 करोड़ के नीचे है, टर्नओवर 40 करोड़ के नीचे है, तो मैं स्मॉल कंपनी हूँ तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं स्मॉल कंपनी नहीं हूँ, मेरा पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा है, या दोनों में से कोई भी एक, मेरा क्या है, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ ज़्यादा है या टर्नओवर 40 करोड़ ज़्यादा है, तो मैं प्राइवेट कंपनी हूँ पर स्मॉल कंपनी नहीं हूँ, क्या करना है बच्चे मुझे, चल विद इन कितने महीने के अंदर, 18 मंथ्स कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस रूल। ये रूल क्या बोलते हैं बच्चों, वॉट दीज रूल्स हैव टू से। सबसे पहला, अब बच्चों एक बार आपके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल हो गया हो, उसके कितने महीने के अंदर, 18 मंथ्स के अंदर आपको क्या इंश्योर करना है कि प्राइवेट कंपनी जो भी नई सिक्योरिटीज इश्यू करे, एक बार ये रूल एप्लीकेबल होने के 18 महीने के अंदर प्राइवेट कंपनी को क्या इंश्योर करना है कि जो भी नई सिक्योरिटी वो इश्यू करे वो सिर्फ कौन से फॉर्म में होगी, इट वुड ऑलवेज बी, या इट वुड ओनली बी इन विच फॉर्म, डी मटीरियलाइज्ड फॉर्म, और दूसरा ऑलरेडी जो कंपनी के द्वारा इश्यू की गई सिक्योरिटी है, कंपनी के द्वारा इश्यू की गई
जो सिक्योरिटीज है जो कंपनी के प्रमोटर के पास होगी या दूसरे शेयर होल्डर्स के पास होगी, वो भी कौन से फॉर्म में करना है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब प्राइवेट कंपनी जो स्मॉल कंपनी नहीं है वहाँ पे 100% डीमेटलाइजेशन होना चाहिए। नए शेयर्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इश्यू होंगे और जो ऑलरेडी इश्यूड शेयर्स हैं वो भी कौन से फॉर्म में मेंटेन्ड होंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये तो वैलिड है ना, कहाँ थे ये? अच्छा ऐसा कर ले, चलेगा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नाउ, तो बच्चों रूल 9B सब रूल 2 के अंदर जो भी कंपनीज आती हैं उनको 18 महीने के अंदर नए शेयर्स डीमेटलाइज्ड फॉर्म में इश्यू करना शुरू करना है, और ऑलरेडी जो शेयर्स इश्यू हैं वो उनको डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये 9B सब रूल 3, 9B सब रूल 4, 5 और 6, इसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं? इसके थ्रू अपन कंपनीज को कंपेल कर रहे हैं। इसके थ्रू अपन प्राइवेट कंपनी को क्या करेंगे? कंपेल करेंगे। किस चीज़ के लिए कंपेल करेंगे? कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि इधर देखो, अब प्राइवेट कंपनी जो 9B के अंदर कवर्ड है, अगर वो क्या करना चाहती है? बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स लाना चाहती है, बायबैक करना चाहती है, तो क्या करना है उसको बच्चों? ये सारे ऑफर लाने के पहले उसको क्या इंश्योर करना है? प्रमोटर, डायरेक्टर और KMP के शेयर डीमेटलाइज हो गए। क्योंकि बच्चों हमको पता है ना, गवर्नमेंट भले ही बोल रही है 18 महीने के अंदर करो, बट वो नहीं करेंगे। तब हम इनडायरेक्टली कंपेल करते हैं कि प्राइवेट कंपनी जिसके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल है वो बायबैक लेके आए, ये रूल्स आने के बाद वो बायबैक लेके आए, देन बोनस शेयर्स लेके आए, राइट शेयर लेके आए। तो इश्यू के पहले क्या करना है? तो पहले हम फोकस प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP, इनके शेयर्स हम डीमेटलाइज फॉर्म में करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों के पास ऑलरेडी क्या है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स है प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP के अलावा, और वो लोग अपने शेयर क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं, या फिर वो कंपनी के नए शेयर्स क्या करना चाहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट या किसी और तरीके से कंपनी शेयर बेच रही है, वो खरीदना चाहते हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर बेच भी सकता है, और अगर उसको नए शेयर खरीदने तो खरीद सकता है। कब? जब उसके पास जो कंपनी में ऑलरेडी शेयर्स हैं वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। बाकी ये रूल कौन सा है? रूल 4 to रूल 10, ये सब क्या है बच्चों? कुछ नहीं। आपको डिमेटलाइजेशन करवाना है तो आपको डिपॉजिटरी के पास जाना है। डिपॉजिटरी आपको क्या देगी? ISIN देगी। देन आपको डिपॉजिटरी को फीस पे करनी है। जब तक आप फीस नहीं पे करोगे तब तक वो सस्पेंड कर सकता है आपके शेयर्स को। तो ये बाकी के रूल्स क्या हैं? सेम है, इसमें सब्सटेंटिव पार्ट यही रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जब हम कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं? सेक्शन 88 पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट का, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। तो उसके साथ एक रूल है, कौन सा? रूल 72। नाउ द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द ROC अबाउट द प्लेस ऑफ फॉरेन रजिस्टर इन फॉर्म नंबर MGD 14। तो पहले हाँ, ये आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, ये अपन ने डायरेक्टली बेरेक से पढ़ा है। तो अपन ने डायरेक्टली क्या पढ़ा है? MNDD पढ़ा है बच्चों। तो पहले क्या था कि फॉरेन रजिस्टर कहाँ पे रखा हुआ है, ये हम पहले कौन से फॉर्म में इन्फॉर्म करते थे? MGD 14। अभी कौन से फॉर्म में? अभी अपने को ROC को कौन से फॉर्म में? जैसे ना आपने रजिस्टर एस्टेब्लिश किया MGD 3, और जब आपने रजिस्टर क्या किया? क्लोज किया, या रजिस्टर फॉरेन रजिस्टर की जगह चेंज की, उसके 30 दिन के अंदर आपको MGT 3 में इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो MGT 14 का जो कंसेप्ट है वो हट चुका है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 89 में कौन सा रूल अमेंड हुआ है बच्चों? रूल 9 अमेंड हुआ है, और रूल 9 में हमने ये नए रूल्स हमने ऐड किए हैं। व्हाट इज रूल सेक्शन 89? यस बच्चों, बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में बात करता है बच्चों। बेनिफिशियल ओनरशिप क्या है? बेनिफिशियल ओनरशिप, अगर आप शेयर के रजिस्टर्ड ओनर हैं पर बेनिफिशियल ओनर नहीं है, तो आपको भी कंपनी को 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होता है, और बेनिफिशियल ओनर को भी कंपनी को 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होता है, कंपनी को 30 दिन के अंदर ROC को इन्फॉर्म करना होता है। तो कौन कौन से फॉर्म से देखो ध्यान से। यस, MGD 4, 5, 6। नाउ प्लीज हियर, अब रूल्स क्या बोलते हैं? ये नए रूल्स ऐड हुए हैं, मतलब इसके साथ जो रूल्स थे वो चेंज हुए। कभी कुछ नहीं बच्चों, एक बंदे को ला दिया गया है। एवरी कंपनी शैल डेजिग्नेट अ पर्सन हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट बेटा? फर्निशिंग एंड एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द ROC और एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट बेटा? तो कंपनी को यहाँ पे क्या करना है? एक स्पेशलाइज्ड बंदे को डेजिग्नेट करना है। कंपनी सेक्रेटरी को डेजिग्नेट कर देंगे, जो क्या करेगा? ओए, जो क्या करेगा? जो ROC को क्या करेगा, मतलब ROC को क्या करेगा बच्चों? एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन, मतलब ROC जिससे क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है। किस लिए?
बेनिफिशियल ओनरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगने के लिए. फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 4 कंपनी किसको डेजिग्नेट करती है? तो एक बंदा जो है जिसको बिल्कुल बेनिफिशियल ओनरशिप का पता लगाने के लिए डेजिग्नेट कर देंगे, आरओसी जिसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी अगर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की जरूरत है, कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उसके ऊपर है, या फिर किसको कर सकते हो, केएमपी अदर देन कंपनी सेक्रेटरी, मतलब कंपनी सेक्रेटरी के अलावा जो दूसरे केएमपी होते हैं, सीईओ सीएफओ, इनको भी डेजिग्नेट कर सकते हो. और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एवरी डायरेक्टर शैल बी डेजिग्नेटेड पर्सन जिससे आरओसी क्या कर सकता है, जिसको आरओसी को कोऑपरेट करना पड़ेगा, जिसको आरओसी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा. अनटिल अ पर्सन इज डेजिग्नेटेड, जब तक कंपनी क्या ना करे रूल 9 सब रूल 4 के अंदर किसी बंदे को डेजिग्नेट ना करे, तो नीचे लिखे लोग डायरेक्टली डेजिग्नेटेड पर्सन बन जाएंगे. कौन बच्चों? कंपनी सेक्रेटरी अगर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, एमडी और मैनेजर अगर क्या नहीं है बच्चों, सीएस अपॉइंट नहीं हुआ है, और अगर आपकी कंपनी में एमडी भी नहीं है और मैनेजर भी नहीं है और सीएस भी नहीं है तो एवरी डे. इज दैट क्लियर? तो ये भी एक अमेंडमेंट है. उसके बाद सेक्शन नंबर 233 क्या है? 233 मर्जर ऑफ सर्टेन कंपनीज, फर्स्ट ट्रैक मर्जर होता है ना, दो स्मॉल कंपनीज या फिर होल्डिंग कंपनी और होली ओन्ड सब्सिडरी का मर्जर. ये मर्जर डायरेक्टली अपने को एनसीएलटी के पास भेजने की जरूरत नहीं होती, अपन किसके पास भेजते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब इस मर्जर को अप्रूव कौन करता है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये रूल भी अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अच्छा, ये अपने सिलेबस के लिए ये अमेंडमेंट उतना ज़रूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि अपने सिलेबस में सेक्शंस हैं, रूल्स नहीं हैं. बट ठीक है, फिर भी अपन ये रूल देख लेंगे. तो बेसिकली सेक्शन 233 में क्या होता है, फर्स्ट ट्रैक मर्जर, दोनों कंपनीज क्या करती हैं, अप्रूवल लेती हैं, और अप्रूवल किसके साथ फाइल करती हैं? आरओसी के साथ फाइल करती हैं. ठीक है, आरओसी किसको रिकमेंड, किसको रिपोर्ट भेजता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. वो 30 दिन और 60 दिन वाले प्रोविजन यहाँ पे क्या हुए हैं, एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं. इधर देखो प्लीज, हियर तो सब रूल 5 और सब रूल 6 नए ऐड हुए हैं. तो बेसिकली किसके बारे में, कंपनी ने क्या किया, दोनों कंपनी ने स्कीम बनाई और किसके पास भेजी? आरओसी को. और अगर कंपनी कोई, दोनों में से कोई एक कंपनी लिक्विडेशन में, तो लिक्विडेटर को भेजते हैं, और आरओसी और लिक्विडेटर अपने रिकमेंडेशन किसको भेजते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है, तो देखो ध्यान से, वेयर नो ऑब्जेक्शन और सजेशन इज रिसीव्ड, कितने के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ स्कीम अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 233. मतलब क्या हुआ, फ्रॉम द आर ओ सी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्कीम इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, कितने के अंदर बच्चों? तो एक्स प्लस 30 प्लस 15. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनसे क्या मांगा, ओपिनियन मांगा. इन्होंने 30 दिन के अंदर कोई भी ओपिनियन नहीं दिया, 30 दिन के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, तो अगले 15 डेज के अंदर क्या होगा, स्कीम को डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में, कौन से फॉर्म में, CA-12. अच्छा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम को अप्रूव नहीं किया, कितने के अंदर, 60 डेज, कहाँ से बच्चों, डज नॉट इश्यू कंफर्मेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द स्कीम. ये आरओसी लोग स्कीम भेजते हैं ना बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर स्कीम किसको फॉरवर्ड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो जिस दिन आरओसी और लिक्विडेटर ने स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी, ठीक है, उसके 60 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बोला, तो अपन क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि डीम्ड अप्रूवल आ गया. ठीक है, उसके बाद सब रूल 6 क्या बोलता है, सब रूल 6 क्या बोल रहे हैं, अब ये आरओसी या लिक्विडेटर क्या ले रहे हैं, 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, या फिर दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्शन ले रहा है, किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑब्जेक्शन ले रहे हैं. तो और लेकिन बच्चों इनके ऑब्जेक्शन मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इनके जो ऑब्जेक्शन है ये सस्टेनेबल नहीं है और स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में, क्रेडिटर का भी कोई नुकसान नहीं है, तो कितने के अंदर, इनके ऑब्जेक्शन आने के 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्कीम अप्रूव कर देगी. उसके बाद इन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और आरओसी और ऑफिशियल इक्विटर में, और इनके ऑब्जेक्शन आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार
स्कीम में प्रॉब्लम तो है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, कितने के अंदर ऑब्जेक्शन आने के 60 डेज के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉरवर्ड कर देगी किसके पास, एनसीएलटी के पास, फॉर्म नंबर CAA 13 में। और अब जो भी मैटर है वो कौन हैंडल करेगा, एनसीएलटी। उसके बाद जिस दिन इनका ऑब्जेक्शन आया, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इश्यू अ कंफर्मेशन ऑर्डर अंडर क्लॉज ए, बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट ने 60 डेज, जिस दिन आरओसी और इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया उसके 60 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ही कंफर्मेशन का ऑर्डर दिया और ना ही केस को एनसीएलटी के सामने फॉरवर्ड किया, अपन क्या मान लेंगे, अपन क्या मान लेंगे, डीम्ड अप्रूवल आ गया। इज नॉट क्लियर, तो ये भी एक चीज हो गई। तो ये अपना एक पार्ट ये भी खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, डॉर्मेंट कंपनी अमेंडमेंट इन रूल 3 मेकिंग एप्लीकेशन फॉर स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी इन फॉर्म नंबर MSC 1। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 455 रीड विद कंपनीज मिसलेनियस रूल्स, ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये भी अपन ने क्लास में बैरेक्ट से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये अमेंडमेंट लगभग 6 महीने साल भर पहले का अमेंडमेंट है, ध्यान से कि। तो बच्चों अगर अपने को डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए अपन कौन से फॉर्म में अप्लाई करते हैं, इफ वी नीड द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी विच फॉर्म डू वी अप्लाई इन MSC 1 में। इधर देखो MSC 1 में फीस के साथ अपन अप्लाई करते हैं आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर ये सब तो अपने को पता ही है, इंस्पेक्शन वगैरह पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ये सब यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं है। इधर देखो अमेंडमेंट यहाँ पे है, इधर देखो जब आप अप्लाई करते हो डॉर्मेंट कंपनी के स्टेटस के लिए तो आपको बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है, यस आपको आरओसी को बताना पड़ता है कंपनी इज नॉट हैविंग आउटस्टैंडिंग, कोई कंपनी के पास कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड है। अब यहाँ पे एक प्रोवाइज़ होता, क्या प्रोवाइज़ होता, इफ देर इज एनी आउटस्टैंडिंग सिक्योर्ड लोन द कंपनी मे अप्लाई अंडर दिस रूल आफ्टर ऑब्टेनिंग कॉन्करेंस, कॉन्करेंस मतलब कंसेंट ऑफ द लेंडर। तो ये एक पॉइंट आपके नोट्स में होगा, जो लोग मॉड्यूल से पढ़ते हैं मॉड्यूल में होगा, नाउ नॉट रिक्वायर्ड। ये आपको मतलब अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह भी है तो भी आप डॉर्मेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको क्या ज़रूरत नहीं है, आपको इनसे कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों से आपने लोन लिया है, जिनके प्रति आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, उनसे आपको किसी प्रकार का कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, देर इज़ नो डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ द कंपनी, अब ये आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस डालते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने कन्फर्मेशन आरओसी को देने पड़ते हैं, तो अब ये डिस्प्यूट की बात आपको करने की ज़रूरत नहीं। बाकी सब कुछ क्या है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है। उसके बाद डायरेक्टर चैप्टर में उन्होंने केस ऐड किया है, कौन सा, डायरेक्टर चैप्टर में दे हैव एडेड अ केस लॉ, कौन सा केस लॉ ऐड किया है, प्रणब कुमार रॉय वर्सेस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये केस उन्होंने ऐड किया। इन केस डायरेक्टर हैज हिमसेल्फ इन्फॉर्म द आरओसी एंड सेबी रिगार्डिंग हिज रेजिग्नेशन, डायरेक्टर ने खुद से आरओसी और सेबी को इन्फॉर्म किया है, किस चीज़ के लिए इन्फॉर्म किया है, अरे किस चीज़ के बारे में, उसके रेजिग्नेशन के बारे में। एंड इफ द कंपनी हैज नॉट इन्फॉर्म टू द आरओसी एंड सेबी बाय फाइलिंग DL 12 ड्यू टू विच द नेम ऑफ द डायरेक्टर रिमेन्स इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, सो इन केस अ क्रिमिनल कंप्लेंट इज फाइल्ड अगेंस्ट सच डायरेक्टर फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी सच क्रिमिनल कंप्लेंट इज लायबल टू क्वेश्चन एज द डायरेक्टर हैज इन्फॉर्म द आर ओ सी एंड सभी रिगार्डिंग इज। इधर देखो डायरेक्टर ने कंपनी से रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद डायरेक्टर ने खुद से आर ओ सी को और लिस्टेड कंपनी थी सभी को बता दिया, DIR 11 में डायरेक्टर खुद बताता है ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन DIR 11 में डायरेक्टर खुद सभी को इन्फॉर्म करता है रीजन्स, तो डायरेक्टर ने बता दिया और डायरेक्टर ने कंपनी को ही बताया, बट कंपनी ने क्या नहीं किया, अरे कंपनी ने क्या नहीं किया, कंपनी ने DIR 12 फाइल नहीं किया। और उसके इन्फॉर्म करने के बाद, आरओसी और सभी को इन्फॉर्म करने के बाद कंपनी के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुई, तो क्या डायरेक्टर लायबल है, क्या डायरेक्टर लायबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि डायरेक्टर ने तो अपना काम कर दिया, वो अब कंपनी की गलती है, यस हाँ। तो यहाँ पे तो डायरेक्टर विल नॉट बी लायबल, मतलब एक मिनट एक चीज, अब इसमें एक चीज़ रखना है, यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि वो जो भी क्रिमिनल एक्ट है वो उसके रेजिग्नेशन के बाद किए हैं, अपने को ये पता है कि डायरेक्टर इज ऑलवेज लायबल, मतलब भले ही आपने रिजाइन कर दिया है बट
रेजिग्नेशन के पहले कंपनी में जो भी लाइबिलिटीज है उसके लिए आप लाइबल होते हो, तो यहां पे हम क्या मान रहे हैं कि भाई उसने रिजाइन कर दिया है, उसके बाद कोई क्रिमिनल मैटर अराइज हुआ है, कंपनी ने उसका रेजिग्नेशन आरओसी को बताया नहीं है, तो वो डायरेक्टर लाइबल नहीं हुआ क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी थी वो उसने निभा दी है। तो ये इतने अमेंडमेंट कंपनी लॉ के इस बार हैं बच्चों, ठीक है। सो ये अमेंडमेंट मेरे ख्याल से वेरी वेल मैनेजेबल है और रेगुलर क्लास में अपन ने ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, खत्म कर दिए। तो अलग से आपको अमेंडमेंट और कुछ भी देखने की जरूरत वैसे भी नहीं थी क्योंकि रेगुलर क्लास में अपन ने ये सारी चीजें ऑलरेडी कर ली हैं। चलिए बच्चों,